अब देखिए, अभी हमने लोगों ने देखा था मीडिया टेक चार्जिंग सेक्शन, और अब हम लोग देखेंगे क्वालकम वाला सेक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट कहाँ पे है वो उस चीज को समझेंगे। यहां से क्या है, लाइन निकलेगी कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट, यानी वीबस आपके सब बोर्ड से कहां पे पहुंचा, B2B जैक यानी मेन मदरबोर्ड पे। आगे एक टीपी दिया गया है, टेस्ट पॉइंट, तो यहां पर कितना वोल्टेज मिलेगा, जिनर डायोड यहां पर भी 5। इसके बाद यहां पे क्या लगी है, OVP IC, जो वोल्टेज को कम नहीं करेगी, ज्यादा वोल्टेज होगा तो खुद खराब हो जाएगी। ओके, तो यहां आउट कितना होगा, 5 वोल्ट, यानी चार्जिंग IC पे 5 वोल्ट की सप्लाई इन हो गई। अब यहां से जो आउट होगी वो वोल्टेज होगी कौन सी, 3.7 से 4.2 आउट होगी, और वो कहां पे पहुंचेगी, फ्यूल गेज IC। यहां पर एक IC क्या है, फ्यूल गेज, मतलब नाम से पता चल रहा है, फ्यूल गेज का मतलब नापना, यही तो है, फ्यूल को नापने, यानी कि मोबाइल का फ्यूल क्या है, बैटरी, कि कितने परसेंट बैटरी आपकी भरी है, कितने परसेंट नहीं भरी है ये। और इसी का आगे लगा आपका करंट सेंस। अब करंट सेंस में क्या है, बस खाली नाम चेंज हो गया है, क्या मीडियाटेक में, यहां पर IC की तरफ से ये रजिस्टर जो है सेंस कर रहा है करंट सेंस को, तो इसका नाम क्या है, SRP, सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, ये यानी कि आई सेंस, क्या नाम, आई सेंस। और ये बैटरी की तरफ से जो सेंस कर रहा है उसका नाम है SRN, सेंस रजिस्टर नेगेटिव, यानी कि बैड सेंस की लाइन। इसके बाद ये आगे निकली कौन सी आपकी, VBAT की लाइन, बैटरी पे गई और बैटरी फिर आपकी यहां से बनेगी। ठीक है, ID की लाइन यहां पे 4G का जैक दिया गया। अब तुमने देखा होगा जितनी भी परसेंटेज से प्रॉब्लम आती है, परसेंटेज की रिलेटेड, 90% के ऊपर नहीं चार्ज हो रहा, 200% बढ़ रहा है, 250% चल रहा है, या ऑफ कंडीशन पे चार्ज हो रहा है, ऑन पे नहीं हो रहा है, ठीक है, या ऑन पे हो रहा है, ऑफ कंडीशन पे चार्ज नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा झाम ताम कहां से होता है, फ्यूल गेज IC। जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारी बाइक, जो तुम्हारी नहीं पड़ोसी की, कि पेट्रोल उसमें फुल भरा है लेकिन डंडी उसकी नीचे आ रही है, तो क्या खराब है, फ्यूल बताने वाला मीटर। और कई बार क्या होता है, पेट्रोल एक भी नहीं है और अंडी पूरी फुल है, और कई बार बीच में रुकी रहती है, होता है ऐसा, देखा है नहीं देखा है, तो वही कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर जो है क्या है, मोबाइल का जो फ्यूल है वो बैटरी है, बैटरी के अंदर है, उसको ये चेक करने के लिए एक IC अलग से लगाई गई है, इसका नाम है फ्यूल गेज IC, जिसकी कंट्रोलिंग कौन करता है, CPU, किसके माध्यम से, क्लॉक और डेटा। चार्जिंग IC की कौन करता है, क्लॉक और डेटा के माध्यम से कंट्रोलिंग ये। कोई भी इधर आता है तो क्या होगा, कोई भी इधर यहां पे कुछ प्रॉब्लम है, यहां पे बताया जाएगा भैया क्लॉक और डेटा के माध्यम से कि कुछ एरर आ रही है, CPU क्या करेगा, हाल डिस्प्ले पे दिखा देगा, एरर लोगों का एरर है, या कनम करके बैड कनेक्ट, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे क्या करेगा CPU, यहां पे लोगों पे दिखा देगा। प्रोसेस कुछ नहीं बदला, खाली एक फ्यूल गेज IC लगी, और पहले क्या था, चार्जिंग IC के अंदर ये फंक्शन था, चार्जिंग IC के अंदर ये तो था, बैड सेंस आई सेंस, अरे किसके अंदर, पावर IC के साथ, सॉरी पावर IC के अंदर क्या था, फंक्शन था इसका, बैड सेंस आई सेंस का। अब इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया है, अलग से एक फ्यूल गेज IC लगा दिए। हाँ, अब क्वालकम के बहुत से फोन के अंदर ये फ्यूल गेज नहीं मिलेगी, वो पावर IC के साथ में या चार्जिंग IC के साथ में क्या है, इनबिल्ड है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, तो तरीका कुछ नहीं बदला, बस खाली नाम बदले, क्या बदले हैं, नाम। और एक कंडीशन और आती है, पूरा लिखाएंगे यहां पर, एक लाइन आप देख रहे हैं ना, जिसकी नाम है BIN, क्या नाम है, BIN का मतलब होता है बैटरी इन, बैटरी लगाई, ये सेंस करता है। और ऐसे तुमने बहुत सारे फोन देखे होते हैं, इसमें चार्जर लगाओ चार्जिंग चलती है, फोन चलता है, चार्जर निकालो फोन बंद, ये BIN की लाइन में ही प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी समस्या आती है। ये हम सब आपको आगे लिखाएंगे कि कहां से क्या चेक करना है, कौन से प्रॉब्लम पे क्या चेक करना है। तो कुछ ये समझ में आई कि चार्जर वाली समस्या यहां से आती है, और परसेंटेज की जितनी भी प्रॉब्लम है
वो फ्यूल गेज से आती है। क्लियर? ठीक, अब ये बन गया ब्लॉक डायग्राम, एक हो गया। वी बस लिखा है, वी बस की सप्लाई कहां पे आ गई? आईसी पे एक नंबर और 24 नंबर। स्विचिंग हुई, यहां पे लिखा है स्विचिंग, एक क्या लगी है, एक क्वाइल लगी है, और क्वाइल के बाद क्या लिखा है, डीपीएच पावर 3.7 से 4.2 पूरे मदरबोर्ड में जहां जहां रिक्वायरमेंट है जाएगा। देखिए यहीं से एक लाइन क्या है, इस पे आई, इसका नाम सिस्टम, क्या है सिस्टम, और यहीं से ये सप्लाई कहां पर गई, बैट लिखा है, चार्जिंग आउट यानी किसके लिए, बैटरी के, यानी हमने चार्जर लगाया तो सप्लाई यहां से यहां पर नहीं, पूरा फोन चला और क्या हुआ, बैटरी भी चार्ज हुई। हमने यहां से चार्जर हटाया, बैटरी से वोल्टेज आया और इस लाइन के थ्रू वीपीएच पूरे फोन को चला रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यहां से वोल्टेज आया, फोन भी चला और फोन क्या हुआ, बैटरी भी चार्ज हुई। चार्जर हमने हटा दिया, बैटरी से वोल्टेज आया, सिस्टम की लाइन से वीपीएच बन गया जाके। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपका फोन चार्ज होता है और चलता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम